हेलो दोस्तों, वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम लेक्चर 9 डिस्कस करेंगे। देखिए पिछले लेक्चर्स में हमने एशिया कॉन्टिनेंट, अफ्रीका कॉन्टिनेंट, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, यूरोप कॉन्टिनेंट एंड ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट को डिस्कस कर लिया। देखिए आज इस लेक्चर में हम नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नॉर्थ अमेरिका में सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कौन से सी है, कौन से ओशियन है नॉर्थ अमेरिका के में है। ओके देखिए यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका में सबसे वेस्टर्न साइड में देखिए यहाँ पे गल्फ ऑफ अलास्का है जो पैसिफिक ओशियन में है। उसके बाद देखिए यहाँ पे बेरिंग सी है। फिर देखिए यहाँ पे पैसिफिक ओशियन में यहाँ पे साउदर्न साइड में मेक्सिको के पास यहाँ पे है गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। ठीक है, इनकी लोकेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम अटलांटिक ओशन में आते हैं। देखिए अटलांटिक ओशन में यहाँ पे गल्फ ऑफ मैक्सिको है। ओके फिर इसके बाद में यहाँ पे कैरेबियन सी है और यहाँ पे अटलांटिक ओशन है। ओके अटलांटिक ओशन है। उसके बाद देखिए यहाँ पे नॉर्दर्न साइड में यहाँ पे लेब्राडोर सी है, इसकी भी लोकेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए यहाँ पे नॉर्दर्न साइड में ही है हडसन बे ऊपर की ओर कनाडा की ओर। ओके फिर यहाँ पे ग्रीनलैंड के पास है बेफिन बे, तो इनकी लोकेशन हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसके अलावा देखिए यहाँ पे मिडल पार्ट में यूएसए और कनाडा के बीच में ग्रेट लेक्स हैं। ठीक है, 5 लेक्स का ये ग्रुप है, काफी इंपॉर्टेंट है कनाडा और यूएसए में वाटर ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई के लिए, इरिगेशन के लिए ये लेक्स काफी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये सारी की सारी है फ्रेश वाटर लेक है। ओके अब देखिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि कौन कौन सी कंट्रीज हैं जो टॉपिक ऑफ कैंसर है वो पास होती है। देखिए टॉपिक ऑफ कैंसर है यहाँ पे देखिए मैक्सिको से पास होती है। उसके बाद देखिए यहाँ पे भामास आइलैंड ग्रुप है, यहाँ से भी है ये टॉपिक ऑफ कैंसर है पास होती है। ओके इसके अलावा देखिए जो नॉर्दर्न अमेरिका है, नॉर्दर्न अमेरिका में सेंट्रल अमेरिका, इसके अलावा देखिए यहाँ पे वेस्टर्न रीज, इसको भी इंक्लूड किया जाता है। ओके नॉर्दर्न अमेरिका में है, सॉरी नॉर्थ अमेरिका में यहाँ पे देखिए इसमें इसको सेंट्रल अमेरिका को और यहाँ पे देखिए वेस्टर्न रीज, इसको भी इसमें इंक्लूड किया जाता है। अब देखिए हम इनके बारे में अलग से डिटेल में पढ़ेंगे कि सेंट्रल अमेरिका में कौन कौन सी कंट्री है, वेस्ट इंडीज की कौन इंपोर्टेंट लोकेशन है। ठीक है, उनको हम अलग से इस डिस्कशन में पढ़ेंगे। चलते हैं आगे की ओर। अब हम कुछ जो फिजिकल फीचर है नॉर्थ अमेरिका में उसके बारे में हम देख लेते हैं। देखिए रॉकीज माउंटेन है, देखिए यहाँ पे रॉकीज माउंटेन है, काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, डायरेक्टली पूछा जा सकता है मैच ऑफ द फॉलोइंग में कि रॉकी माउंटेन है वो कहाँ पे है। ओके तो यह नॉर्थ अमेरिका के वेस्टर्न साइड में है। ठीक है, और नॉर्थ टू साउथ फैली हुई है, देखिए यहाँ पे नॉर्थ टू साउथ है। ओके इसके अलावा देखिए यहाँ पे अलास्का में देखिए यहाँ पे ब्रूक्स रेंज है, ब्रूक्स माउंटेन रेंज है जो काफी इंपॉर्टेंट है। ओके इसके अलावा यहाँ पे अलास्का रेंज भी, अलास्का माउंटेन रेंज भी है। ओके तो ये भी पूछा जा सकता है कि ब्रूक्स रेंज या अलास्का रेंज कहाँ पे। अलास्का रेंज तो डायरेक्टली पता चल जाएगा कि अलास्का में, लेकिन ब्रूक्स रेंज है हम नहीं पता लगा पाएंगे। ठीक है, तो ब्रूक्स रेंज भी यहाँ पे अलास्का में ही है। ओके और इसके अलावा देखिए यहाँ पे कोस्ट, देखिए यहाँ पे कोस्ट माउंटेन रेंज, देखिए यहाँ पे है कोस्ट माउंटेन रेंज, कोस्ट पे इसलिए इनका इसका नाम रखा गया है कोस्ट माउंटेन रेंज। ओके ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे कैस्केड माउंटेन रेंज है, यहाँ पे देखिए कोस्ट माउंटेन रेंज के जस्ट ईस्टर्न साइड में है ये कास्केड माउंटेन रेंज। फिर यहाँ पे सिरेरा नेवेडा माउंटेन रेंज है, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए ये भी इसके यहाँ पे कास्केड माउंटेन रेंज के साउदर्न साइड में है सिरेरा नेवेडा माउंटेन रेंज। इसके अलावा देखिए यहाँ पे सिरेरा मेद्रेस माउंटेन रेंज है, सिरेरा मेद्रेस माउंटेन रेंज कहाँ पे है, मैक्सिको में है। देखिए यहाँ पे नीचे की ओर है सिरेरा मेद्रेस माउंटेन रेंज, ओके ये मैक्सिको में। इसके अलावा देखिए यहाँ पे ईस्टर्न साइड में, नॉर्थ अमेरिका के ईस्टर्न साइड में यहाँ पे है अपलेशन माउंटेन रेंज। देखिए अपलेशन माउंटेन रेंज में काफी तरह के मिनरल्स पाए जाते हैं, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए कोस्टल प्लेन है यहाँ पे, ये कोस्टल प्लेन देखिए यहाँ पे ये अमेरिका के नॉर्थ ईस्टर्न साइड, सॉरी साउथ ईस्टर्न साइड में है ये कोस्टल प्लेन, इसकी लोकेशन भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब इसके अलावा देखिए यहाँ पे एक सेकंड मैप में आइए। अब सेकंड मैप पे यहाँ पे एक डेविस स्टेट है, ठीक है ये डेविस स्टेट है, वाइडेस्ट स्टेट है, वर्ल्ड की वाइडेस्ट स्टेट है ये, इसकी लोकेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए यहाँ पे हडसन स्टेट है, हडसन बे में हडसन स्टेट है यहाँ पे, देखिए क्यूबेक, क्यूबेक के बीच में और ये बेफिन आइलैंड है इसके बीच में है ये हडसन स्टेट। ओके इसके बाद इसमें देखिए यहाँ पे कनेडियन शील्ड है, कनेडियन शील्ड में देखिए आयरन ओर है, कॉपर है, काफी तरह के मिनरल्स यहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, तो इसकी लोकेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे कनेडियन शील्ड है, ठीक है इसकी भी लोकेशन इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ आइलैंड और है इस कनाडा में, देखिए यहाँ पे विक्टोरिया आइलैंड है,
ठीक है, विक्टोरिया आइलैंड भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बैफिन आइलैंड है, ये भी कनाडा का है। बैफिन आइलैंड भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये सब आर्कटिक सर्कल के अंदर आते हैं। देखिए, आर्कटिक सर्कल यहाँ से पास होता है, विक्टोरिया आइलैंड भी आर्कटिक सर्कल में है, और जो बैफिन आइलैंड है वह भी आर्कटिक सर्कल में है। इसके अलावा देखिए, यहाँ पे नॉर्दर्न साइड में एक इम्पोर्टेंट आइलैंड और है, क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड। ओके, देखिए यहाँ पे क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड, इसकी लोकेशन भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, तो ये हमने इम्पोर्टेंट लोकेशन देख ली। इसके अलावा इम्पोर्टेंट हमारे लिए कुछ भी नहीं है इसमें, क्योंकि जो भी, हाँ, इसके अलावा देखिए यहाँ पे कोरल हार्बर, ठीक है, कोरल हार्बर है यहाँ पे। देखिए, हडसन बे में है, कोरल हार्बर आइलैंड ही है ये, यो जो हडसन बे में है। ओके, तो ये जो भी इम्पोर्टेंट लोकेशन थी हमने उसके बारे में देख लिया। इसके अलावा देखिए, इम्पोर्टेंट लोकेशन फर्स्ट मैप में यहाँ पे देखिए बरमुंडा, ठीक है, बरमुंडा ट्रायंगल के बारे में आपने सुना होगा। देखिए, ये बरमुंडा है, ये है बरमुंडा आइलैंड है, ये यूनाइटेड किंगडम का है। ओके, ये आपको याद रखना है कि बरमुंडा आइलैंड है वह यूनाइटेड किंगडम का है। ओके, इसके अलावा और इन्फॉर्मेशन है, जब हम सेंट्रल अमेरिका के बारे में पढ़ेंगे, सेंट्रल अमेरिका और वेस्ट इंडीज के बारे में पढ़ेंगे, तो डिटेल से और हम इसके बारे में चर्चा कर लेंगे। ओके, चलते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखिए, नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड यहाँ पे देखिए स्टेट के बारे में। देखिए, जो चुकची सी है आर्कटिक ओशन में है, और यहाँ पे देखिए अटलांटिक पैसिफिक पैसिफिक ओशन, यहाँ पे पैसिफिक ओशन को चुकची सी से कनेक्ट करती है। ये देखिए बेरिंग स्ट्रेट, ओके, बेरिंग स्ट्रेट पैसिफिक सी को, देखिए यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि जो बेरिंग सी को है चुकची सी से कनेक्ट करती है बेरिंग स्ट्रेट, या ये भी कह सकते हैं कि आर्कटिक ओशन से कनेक्ट करती है पैसिफिक ओशन को बेरिंग स्ट्रेट। ओके, बेरिंग स्ट्रेट है यहाँ पे, देखिए रशिया के बीच में है और इधर ये अलास्का के बीच में। ओके, अलास्का यूनाइटेड स्टेट का पार्ट है, तो बेरिंग स्टेट है अलास्का और रशिया के बीच में। ओके, देखिए इसके अलावा मुझे एक रिक्वेस्ट भी आई थी कि आप, है ना, जो स्टेट के बारे में एक अलग से वीडियो बना दीजिए जो इम्पोर्टेंट यूपीएससी के लिए स्टेट है, तो वो भी मैं आज, है, अलग से स्टेट भी पढ़ लेंगे हम। सारी जो इम्पोर्टेंट यूपीएससी के हिसाब से इम्पोर्टेंट स्टेट है वो आज हम पढ़ लेंगे। ओके, इसके अलावा देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक और स्टेट है इम्पोर्टेंट। देखिए यहाँ पे स्टेट ऑफ जुआन डी फूका, ये स्टेट ऑफ जुआन डी फूका है, वह यूएसए के वेस्टर्न साइड में है। ओके, यूएसए के वेस्टर्न साइड में है स्टेट ऑफ जुआन डी फूका। एक बार यहाँ पे देख लीजिए, फिर हम बड़े मैप में भी इसको लोकेट कर लेंगे। ओके, देखिए यहाँ पे विक्टोरिया में है स्टेट ऑफ जुआन डी फूका। ओके, और यहाँ पे देखिए वैंकूवर आइलैंड है, यहाँ पे वैंकूवर आइलैंड है, और वैंकूवर आइलैंड और ब्रिटिश कोलंबिया के बीच में यहाँ पे स्टेट ऑफ जॉर्जिया भी है। देखिए यहाँ पे है स्टेट ऑफ जॉर्जिया, तो ठीक है, स्टेट ऑफ जॉर्जिया और स्टेट ऑफ जुआन डी फूका ये दोनों ही नॉर्थ अमेरिका में है। ओके, ये आपको याद रखिएगा। इसके अलावा देखिए, ये ब्रिटिश कोलंबिया है, ये कनाडा का है, ब्रिटिश कोलंबिया, ठीक है। आपको डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि ब्रिटिश कोलंबिया कहाँ पे है, तो कनाडा में है। ओके, तो इम्पोर्टेंट लोकेशन हमने ये देख ली। इसके अलावा देखिए यहाँ पे सिएटल, देखिए यहाँ पे सिएटल है, सिएटल में जो माइक्रोसॉफ्ट है उसका हेडक्वार्टर भी सिएटल में ही है। ओके, तो माइक्रोसॉफ्ट का जो हेडक्वार्टर है वह यहाँ पे सिएटल में ही है, काफी इंपोर्टेंट लोकेशन है सिएटल की। इसके अलावा देखिए यहाँ पे ओलंपिया, ओलंपिया भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, डायरेक्टली पूछा जा सकता है कहाँ पे है, तो ओलंपिया कहाँ पे है, ओलंपिया है यूएसए में। ओके, ये ओलंपिया है यूएसए में है। ओके, तो इसके अलावा और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन इसमें नहीं है। चलते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड की। तो नेक्स्ट स्लाइड में कुछ इम्पोर्टेंट डेजर्ट हैं, उनके नाम हम देख लेते हैं, कौन कौन से इम्पोर्टेंट डेजर्ट हैं। देखिए ये डेजर्ट भी यहाँ पे है, वेस्टर्न साइड में है अमेरिका के। ओके, नॉर्थ अमेरिका के वेस्टर्न साइड में है। देखिए यहाँ पे ये ग्रेट बेसिन डेजर्ट है, इसकी लोकेशन भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, और यहाँ पे मोहेव डेजर्ट है, मोहेव डेजर्ट सेकेंड मैप में देखिए, यहाँ पे मोहेव डेजर्ट, देखिए यहाँ पे जे है, साइलेंट रहता है, मोहेव डेजर्ट है, काफी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे सोनोरन डेजर्ट है, यहाँ पे सोनोरन डेजर्ट है। देखिए ये जो डेजर्ट यहाँ पे बने हैं, ये जो कोल्ड करंट है, जैसे ये सोनोरन डेजर्ट है और मोहेव डेजर्ट है, वो कैलिफोर्नियन एक कोल्ड करंट है, उसके कारण इनका फॉर्मेशन हुआ है। ओके, देखिए यहाँ इसके बाद में यहाँ पे ची हुआ हुआ डेजर्ट है, ची हुआ हुआ डेजर्ट में जो सिल्वर है काफी मात्रा में पाई जाती है। ओके, सिल्वर का यहाँ पे प्रोडक्शन काफी ज्यादा होता है, सिल्वर माइंस यहाँ पे पाई जाती है। ओके, ची हुआ हुआ डेजर्ट में, ओके, ची हुआ हुआ एक माइंस का नाम भी है, ठीक है, सिल्वर माइंस का नाम है, काफी वर्ल्ड की लार्जेस्ट माइन है, काफी बड़ी माइन है ये। ओके, सिल्वर की। तो इन इंपॉर्टेंट डेजर्ट के बारे में भी हमने देख लिया।
दोस्तों हमने एक डेजर्ट के बारे में पढ़ा, उनके बारे में हमने एक इस मैप में भी हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे, देखिए जो ग्रेट बेसिन डेजर्ट था, देखिए यहाँ पे ग्रेट बेसिन था, उसके बाद देखिए यहाँ पे मोहेव डेजर्ट था, और फिर यहाँ पे सोनोरन डेजर्ट था, और यहाँ पे मेक्सिको में था चिहुआ हुआ डेजर्ट। ओके, तो इनकी लोकेशन यहाँ पे है। इसके अलावा हमने जो स्टेट ऑफ जुआन डी फूका देखी थी, देखिए यहाँ पे स्टेट ऑफ जुआन डी फूका, ठीक है, एक बार मैं पॉइंटर चेंज कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे है स्टेट ऑफ जुआन डी फूका, जो कनाडा और यूएसए के बीच में है। इधर देखिए, इधर फिर है स्टेट ऑफ जॉर्जिया, ठीक है, दोनों के बारे में हमने देख लिया था। अब कुछ इंपोर्टेंट लेक्स हैं, देखिए यहाँ पे ग्रेट लेक्स हैं, ये फाइव लेक्स का ग्रुप है जो फ्रेश वाटर लेक है, जो कनाडा और यूएसए में वाटर सप्लाई के लिए काफी इंपोर्टेंट है। ओके, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई के लिए, इरिगेशन के लिए इन लेक्स का काफी इंपोर्टेंस है यूएसए में। अब इन लेक्स के बारे में हम एक बार डिटेल में देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे कनाडा में, देखिए देखिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं सुपीरियर लेक्स है। देखिए यहाँ पे सुपीरियर लेक्स है जो फ्रेश वाटर लेक है, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है ये लेक सुपीरियर। ओके, इसके अलावा लेक सुपीरियर को कनेक्ट करती है, देखिए यहाँ पे लेक सू केनाल है, देखिए यहाँ पे सू केनाल है जो लेक सुपीरियर को लेक हुरोन से कनेक्ट करती है। ओके, उसके अलावा देखिए यहाँ पे ईरी और ओंटेरियो, यहाँ पे लेक ईरी को ओंटेरियो से कनेक्ट करती है विलेंट केनाल, देखिए यहाँ पे विलेंट केनाल है जो ईरी को ओंटेरियो से कनेक्ट करती है। ओके, और देखिए ये जो मिशिगन है, देखिए यहाँ पे मिशिगन, ये जो मिशिगन लेक है ये पूरी तरह से यूएसए में है, ठीक है, पूरी तरह से यूएसए में सिचुएटेड है। बाकी ये जो फोर लेक है, सुपीरियर लेक, रोन लेक, ईरी लेक और ओंटेरियो लेक, ये कनाडा और यूएसए के बीच में बॉर्डर बनाती है। ओके, इसके अलावा एक इंफॉर्मेशन ये भी याद रखिएगा, जो 49 डिग्री लेटिट्यूड है, ठीक है, 49 डिग्री लेटिट्यूड है, वह कनाडा और यूएसए को एक दूसरे से अलग करता है। ओके, अब देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रिवर है, सेंट लॉरेंस रिवर। ओके, काफी इंपॉर्टेंट रिवर है, बिजिएस्ट रिवर है, क्योंकि यह नेविगेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है कनाडा और यूएसए में। ओके, देखिए यहाँ पे इसमें कुछ इंपॉर्टेंट सिटी भी लोकेटेड है, देखिए यहाँ पे क्यूबेक है जो सेंट लॉरेंस रिवर पे लोकेटेड है, फिर मॉन्ट्रियल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में आपने पढ़ा होगा, ठीक है, तो ये मॉन्ट्रियल कनाडा में है और सेंट लॉरेंस रिवर पे है। ओके, उसके बाद में देखिए ये ओटावा है, ओटावा सेंट लिवर, ओटावा है जो कनाडा की कैपिटल, लेकिन ये सेंट लॉरेंस का पार्ट नहीं है। ओके, और इसके अलावा देखिए यहाँ पे फिर ये जो सेंट लॉरेंस रिवर है ये ओंटेरियो से निकलती है। ओके, ओंटेरियो से निकलती है, लेक ओंटेरियो से निकलती है और ये गल्फ इधर अटलांटिक ओशन में, ठीक है, अटलांटिक ओशन में यहाँ पे गिर जाती है। ओके, अटलांटिक ओशन में जाके गिर जाती है सेंट लॉरेंस रिवर, ओंटेरियो से इसका सोर्स है और ये अटलांटिक ओशन में जाके गिर जाती है। ओके, देखिए इसके अलावा कुछ इंपोर्टेंट सिटी और है इन रिवर के आसपास, लेक्स के आसपास। देखिए यहाँ पे डुलूथ पोर्ट है, यहाँ पे देखिए डुलूथ पोर्ट है, इसकी लोकेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, डुलूथ पोर्ट है। आपको ऐसे पूछा जा सकता है कि इन लेक्स के आसपास कौन से, यानी कौन सी लेक के पास कौन सा सिटी लोकेटेड है, मैच ऑफ द फॉलोइंग में पूछा जा सकता है। ओके, तो डुलूथ पोर्ट है यहाँ पे सुपीरियर लेक के पास में है, फिर यहाँ पे सुपीरियर पोर्ट भी सुपीरियर लेक में ही है। ओके, फिर देखिए यहाँ पे एक मिलीवाकी, देखिए यहाँ पे मिलीवाकी, यहाँ पे मिलीवाकी मिशिगन के आसपास है, ठीक है, सिटी है मिशिगन के आसपास है। उसके बाद यहाँ पे मिशिगन के आसपास शिकागो है, शिकागो हमारे लिए हिस्टोरिकल रूप से काफी इंपॉर्टेंट है कि जहाँ पे पहली बार हमारे विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद ने जो स्पीच दिया था, ठीक है, इसके लिए काफी फेमस था ये शिकागो, ठीक है, और यूएसए के लिए भी ये काफी इंपॉर्टेंट सिटी है। इसके बाद देखिए यहाँ पे पोर्ट ह्यूरान, देखिए हुरान लेक्स के आसपास ही है ये पोर्ट ह्यूरान, तो इसके बारे में भी आप याद रखिएगा। और फिर है डेट्रॉइट, ठीक है, जो मोटर ऑटोमोबाइल्स के लिए काफी फेमस है, डेट्रॉइट सिटी यूएसए में, ठीक है, ऑटोमोबाइल के लिए। और इसके अलावा देखिए यहाँ पे क्लीवलैंड, ठीक है, इन सिटी की लोकेशन आप बिल्कुल याद रखिएगा, डायरेक्टली पूछा जा सकता है आपको, ठीक है, क्लीवलैंड, देखिए यहाँ पे क्लीवलैंड भी है, इरी लेक्स के पास है। ओके, फिर यहाँ पे देखिए बफेलो, बफेलो भी सिटी है और यह इसके पास में ही है।
ठीक है, ईरी लेक के आसपास ही है। ओके, इसके अलावा देखिए टोरंटो, टोरंटो है वह ओंटेरियो रिवर, ओंटेरियो लेक्स के पास में है। देखिए यहाँ पे टोरंटो यह है ओंटेरियो लेक्स के पास में है। इसके अलावा देखिए ओंटेरियो और क्यूबेक है जो कनाडा की है इंपोर्टेंट सिटी है। देखिए यहाँ पे ओंटेरियो और क्यूबेक काफी इंपोर्टेंट है कनाडा में। ओके, ओंटेरियो और क्यूबेक दोनों इंपोर्टेंट है, इसकी लोकेशन आप बिल्कुल याद रखिएगा। इसके अलावा देखिए यहाँ पे हैमिल्टन, देखिए यहाँ पे है हैमिल्टन, ठीक है, तो हैमिल्टन की लोकेशन भी आप याद रखिएगा। ठीक है, हैमिल्टन भी काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर हम नेविगेशन की बात करें तो अगर हम हैमिल्टन, टोरंटो, फिर ओंटेरियो होके, फिर मॉन्ट्रियल, क्यूबेक और फिर यहाँ पे अटलांटिक ओशन में जाती है ये सेंट लॉरेंस रिवर, तो ये नेविगेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। हैमिल्टन, टोरंटो, मॉन्ट्रियल, क्यूबेक एंड अल्टीमेटली गोज इन टू द इस गल्फ, सॉरी अटलांटिक ओशन। ओके, इसके अलावा देखिए जो न्यूयॉर्क सिटी है यूएसए की, देखिए यहाँ पे है न्यूयॉर्क सिटी, वह हडसन रिवर पे सिचुएटेड है। कहाँ पे? हडसन रिवर पे सिचुएटेड है न्यूयॉर्क सिटी। आगे हम इसकी और लोकेशन भी देख लेते हैं, देखेंगे, लेकिन अभी आप याद रखिएगा जो न्यूयॉर्क सिटी है हडसन रिवर पे सिचुएटेड है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे बोस्टन, बोस्टन की लोकेशन हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा बोस्टन। ठीक है, बोस्टन कहाँ पे है? देखिए यहाँ पे अटलांटिक ओशन में है, पोर्ट है, काफी इंपॉर्टेंट लोकेशन है और यूएसए का पोर्ट है। ओके, बोस्टन सिटी भी है और पोर्ट भी है इंपॉर्टेंट यूएसए का। दोस्तों अब है कनेडियन, कनाडा में देखिए कनेडियन सिल्ट, मैंने पहले भी बताया था कनेडियन सिल्ट में काफी तरह के मिनरल्स पाए जाते हैं। देखिए यह है कनेडियन सिल्ट, काफी मिनरल्स पाए जाते हैं और यहाँ पे देखिए बेफिन आइलैंड और इसमें कनेडियन सिल्ट में एक वो भी है हडसन स्ट्रेट। देखिए हडसन स्ट्रेट इसके लिए काफी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, इसके अलावा देखिए जो हम जो स्टेट सेंट लॉरेंस रिवर की बात कर रहे थे, देखिए सेंट लॉरेंस रिवर, देखिए यहाँ पे ये सेंट लॉरेंस रिवर यहाँ पे आके गिर जाती है अटलांटिक ओशन में। ठीक है, इसके बाद जो कनाडा की कुछ इंपोर्टेंट लेक्स है उसकी लोकेशन हमारे लिए इंपोर्टेंट है। देखिए कनाडा की सबसे इंपोर्टेंट लेक्स है यहाँ पे नॉर्दर्न साइड में ग्रेट बियर लेक। देखिए ग्रेट बियर लेक, आपको इनको नॉर्थ टू साउथ लगाने के लिए दिया जा सकता है। ओके, ग्रेट बियर लेक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे ग्रेट स्लेव लेक है, ये भी हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है ये अथाबास का लेक भी है और रिवर भी है, देखिए यहाँ पे अथाबास का लेक भी है और रिवर भी है ये। और उसके बाद देखिए यहाँ पे सास्कत सेवान, सास्कत सेवान रिवर भी है और लेक भी है। ओके, सास्कत सेवान भी रिवर भी है, लेक भी है, इसकी लोकेशन देखिए यहाँ पे है। उसके बाद है लेक विनीपेग, तो आपको अगर नॉर्थ टू साउथ लगाने के लिए दिया जाए तो सबसे पहले आएगा ग्रेट बियर लेक, उसके बाद में आएगा ग्रेट स्लेव लेक, उसके बाद अथाबास्का, फिर सास्कत सेवान और फिर विनीपेग लेक। तो ये फाइव लेक है, काफी इंपोर्टेंट लेक है। इसके अलावा एक इंपोर्टेंट रिवर है कनाडा की, कौन सी है? मैकेंजी रिवर। मैकेंजी रिवर काफी इंपोर्टेंट है जो इसमें बिफोर सी यानी कि आर्कटिक ओशन में जाके गिर जाती है। देखिए हमें मैकेंजी रिवर है कनाडा की लॉन्गेस्ट रिवर है, काफी इंपोर्टेंट रिवर है। ओके, इसके अलावा देखिए यहाँ पे यूकॉन रिवर, यूकॉन रिवर है अलास्का में है। ओके, यूकॉन रिवर है अलास्का में है और देखिए यहाँ पे कोस्ट रेंज, कोस्ट माउंटेन से निकलती है। ओके, देखिए यहाँ पे कोस्ट माउंटेन से निकलती है और बाद में यहाँ पे इसमें आर्कटिक ओशन में जाके गिर जाती है। ओके, यूकॉन रिवर भी हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए बात करें कोलंबिया रिवर की, देखिए यहाँ पे कोलंबिया रिवर है जो यूएसए में भी फ्लो करती है और कनाडा में भी फ्लो करती है। ये कोलंबिया रिवर है यहाँ पे, ये ब्रिटिश कोलंबिया से निकलती है, देखिए ब्रिटिश कोलंबिया से निकलती है और उसके बाद है पैसिफिक ओशन में जाके गिर जाती है। देखिए पैसिफिक ओशन में जाके गिर जाती है। ओके, और देखिए यहाँ पे वैंकूवर आइलैंड के बारे में हमने पढ़ा था, देखिए वैंकूवर आइलैंड काफी इंपॉर्टेंट है और ये कैनेडा का है। ओके, फिर यहाँ पे देखिए माउंट लगोन, माउंट लगोन देखिए यहाँ पे इसकी लोकेशन है माउंट लगोन, ये भी कनाडा में है, तो इस माउंटेन पीक को भी आप याद रखिएगा। ओके, तो देखिए इसमें इंपॉर्टेंट जो भी इंफॉर्मेशन थी हमने एक्सट्रैक्ट कर ली, इसके अलावा कोई इंपॉर्टेंट लोकेशन नहीं है। देखिए क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड के बारे में हमने पहले ही पढ़ लिया था, विक्टोरिया आइलैंड के बारे में भी हमने पहले ही पढ़ लिया था। ओके, तो डेविस स्टेट के बारे में भी हमने पढ़ लिया, तो इसके अलावा कोई इंपॉर्टेंट लोकेशन इसमें नहीं है। ओके, हाँ देखिए यहाँ पे एक सेंट जॉन पोर्ट है, देखिए यहाँ पे सेंट जॉन पोर्ट, इसके बारे में जरूर आपसे पूछा जा सकता है, जो सेंट जॉन पोर्ट्स है कनाडा का है। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की। हाँ एक और इन्फॉर्मेशन है, देखिए यहाँ पे लंबर जेक, देखिए जो पीपल हैं जो फॉरेस्ट कनाडा में जो फॉरेस्ट में काम करने वाले पीपल होते हैं उन्हें कहा जाता है लंबर जेक। ओके, उन्हें लंबर जेक के नाम से पुकारा जाता है। ओके दोस्तों, अब हमने लगभग सारे कॉन्टिनेंट को पढ़ लिया है, इसलिए हम एक बार है जो इंपॉर्टेंट माउंटेन पीक है
कौन से कॉन्टिनेंट में कौन सी पीक सबसे इंपॉर्टेंट है और कौन सी हाईएस्ट है उसके बारे में हम देख लेते हैं। देखिए अब सबसे पहले एशिया से स्टार्ट करते हैं। देखिए एशिया में माउंट एवरेस्ट है जो हाईएस्ट पीक है, जिसकी जो ऊंचाई है कितनी है, हाइट कितनी है, 8848 मीटर इसकी हाइट है। ओके उसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए पपुआ न्यू गिनी के आसपास, देखिए यहाँ पे पपुआ न्यू गिनी के आसपास यहाँ पे पुकेंग जाया माउंटेन रेंज है। इसकी रेंज है, इसकी जो पीक है हाइट है 4884 मीटर है। ओके उसके बाद देखिए एशिया में हमने कवर कर लिया। एशिया के बाद हम ऑस्ट्रेलिया को कवर करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में देखिए यहाँ पे माउंट कोसी उसको काफी इंपॉर्टेंट है, जो ऑस्ट्रेलिया के साउथ ईस्टर्न साइड में है। देखिए यहाँ पे साउथ ईस्टर्न साइड में है। ओके हमने इसके बारे में पढ़ा था, जो ऑस्ट्रेलिया का हाईएस्ट पीक है। अब देखिए माउंट एल्ब्रूस की बात करें, देखिए यहाँ पे माउंट एल्ब्रूस है जो यूरोप का हाईएस्ट पीक है, जिसकी जो हाइट है 5642 मीटर है। ओके इसके अलावा सेकेंड हाईएस्ट पीक है माउंट ब्लाक, जो आल्पस का पार्ट है। देखिए आल्पस की हाईएस्ट पीक है माउंट ब्लाक है, जिसकी जो हाइट है वह है 4810 मीटर। ओके अब अफ्रीका कॉन्टिनेंट में कौन सी है पीक, देखिए अफ्रीका कॉन्टिनेंट में यहाँ पे तंजानिया में है किलीमंजारो है जो अफ्रीका की हाईएस्ट पीक है। ओके इसकी रेंज है या हाइट है 5895 मीटर। ओके उसके बाद हम बात करते हैं साउथ अमेरिका की। साउथ अमेरिका में हमने पढ़ा था ये भी चिली और अर्जेंटाइना की बॉर्डर पे है अकांकागुआ, माउंट अकांकागुआ, ठीक है, जिसकी जो हाइट है वह है 6961 मीटर। ओके हाइट हमारे लिए इंपोर्टेंट नहीं है, बस हम ऐसे ही देख रहे हैं, लेकिन हम जो लोकेशन है वो हमारे लिए इंपोर्टेंट है। ओके इसके अलावा यहाँ पे देखिए यहाँ पे अलास्का में ये माउंट मिकिनले, इसका नाम भी चेंज कर दिया गया है, इसका नाम अब हो गया है माउंट डेनाली। ओके मिकिनले शायद आपको नहीं मिलेगा, अब जो माउंट डेनाली है इसका नाम है, ठीक है। जो बराक ओबामा थे यूएसए के प्रेसिडेंट, फॉर्मर यूएसए प्रेसिडेंट, उन्होंने इसका नाम चेंज कर दिया था माउंट मिकिलने से, इसका नाम माउंट डेनाली कर दिया था। ओके तो ये भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा देखिए यहाँ पे जो अंटार्कटिक ओशन है, सॉरी अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट है, देखिए अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट में विंचन विंचन हाईएस्ट पीक है अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट का। ओके तो इसकी लोकेशन भी हमने देख ली। तो देखिए हमने जो सेवन कॉन्टिनेंट है उनमें कौन कौन सी हाईएस्ट माउंटेन पीक है उसके बारे में हमने देख लिया। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं कि नेक्स्ट इस स्लाइड में आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी कौन सी चीज कहाँ पे है। ओके तो देखिए माउंट मिकिनले से स्टार्ट करते हैं, ऊपर ही ऊपर है, सारी लोकेशन आपको समझ में आएगी। देखिए बेरिंग स्ट्रेट है ऊपर, फिर माउंट मिकिनले है, ओके फिर यहाँ पे माउंट लोगान है, और फिर देखिए यहाँ पे कैरिबियन रेंज है। देखिए ये कैरिबियन रेंज है, कैरिबियन माउंटेन रेंज है, और यहाँ पे देखिए माउंट एलियास है। देखिए ये माउंट एलियास है, यहाँ पे माउंट एलियास रेंज है। तो आपको दिया जा सकता है कि माउंट मिकिनले, लोगान और इलियास को नॉर्थ टू साउथ लगाइए, तो सबसे पहले आएगा माउंट मिकिनले, उसके बाद माउंट लोगान, और उसके बाद है माउंट एलियास। ओके फिर देखिए यहाँ पे रॉकी माउंटेन रेंज है, इसके बारे में हमने पढ़ लिया, कास्केड माउंटेन रेंज है उसके बारे में हमने पढ़ लिया, जो रियो ग्रैंडे रिवर है देखिए उसके बारे में हमने पढ़ लिया, गल्फ ऑफ मैक्सिको में जाती है, और गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया के बारे में भी हमने पढ़ लिया। हाँ एक मैक्सिको में एक इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज है, उसका नाम है माउंट पोपोकेटेपेटी, ठीक है, माउंट माउंट पोपोकेटेपेटी। देखिए यहाँ पे माउंट पोपोकेटेपेटी ये इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज है मैक्सिको में। ओके फिर देखिए एक यहाँ पे ओजाक प्लेटू है, कहाँ पे ओजाक प्लेटू, देखिए यहाँ पे है, ये ओजाक प्लेटू है, काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे है ओजाक प्लेटू, ठीक है, याद रखिएगा ओजाक प्लेटू कहाँ पे है, यूएसए में है। फिर देखिए यहाँ पे एक पिडमोंट प्लेटू है, देखिए यहाँ पे पिडमोंट प्लेटू है, ये भी यूएसए में है। ओके और देखिए यहाँ पे ये यूकाटन पेनन्सुला है, और यह है फ्लोरिडा पेनन्सुला है, और ये गल्फ ऑफ मैक्सिको है। फिर एलिगेनी माउंटेन रेंज, देखिए ये एलिगेनी माउंटेन रेंज है यहाँ पे, ठीक है, देखिए ये एलिगेनी माउंटेन रेंज है, उसके बाद देखिए ये अपलेशन माउंटेन रेंज है, और ये प्रेरीज एरिया, जो प्रेरीज ग्रासलैंड एरिया होता है वह यूएसए में यहाँ पे है, ये प्रेरीज ग्रासलैंड एरिया है। ओके और हडसन बे के बारे में हमने देख लिया, और प्लेट्यू ऑफ ग्रीनलैंड ये भी हमने देख लिया, इसके अलावा इम्पोर्टेंट नहीं है इसमें। देखिए सारी लोकेशन आपको इस मैप में समझ में आ जाएगी। ओके जो भी लोकेशन है इस मैप में आपको समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से। ओके दोस्तों अब देखिए इस मैप में आपको अच्छे से समझ में आएगा, देखिए इस मैप में आपको अच्छे से समझ में आएगा कि देखिए यहाँ पे है माउंट मिकिनले,
जिसे अब माउंट डेनाली भी कहा जाता है। ओके, माउंट डेनाली है उसका नाम, और कहाँ पे है, अलास्का में है। ओके, उसके बाद देखिए यहाँ पे रॉकी माउंटेन है, देखिए ये रॉकी माउंटेन है, और रॉकी माउंटेन के यहाँ पे देखिए यहाँ पे है ये कास्केड रेंज। ओके, कास्केड रेंज, कोस्ट रेंज के दोबारा, कोस्ट माउंटेन रेंज तो यहाँ पे है, देखिए कोस्ट माउंटेन रेंज उसके बारे में हमने पहले पढ़ लिया था। देखिए यहाँ पे है कैस्केड रेंज, काफी इंपोर्टेंट लोकेशन है। उसके बाद देखिए लॉस एंजलिस, देखिए यहाँ पे बड़े मैप में आपको अच्छे से समझ में आएगा, ये है यहाँ पे लॉस एंजलिस, काफी इंपोर्टेंट है इसकी लोकेशन। गल्फ ऑफ कैम्पेचे के बारे में हमने पढ़ लिया, गल्फ ऑफ मैक्सिको पढ़ लिया। इसके अलावा देखिए और हरिकेन प्रॉन जोन, हरिकेन प्रॉन जोन है, देखिए जो हरिकेन साइक्लोन आते हैं यहाँ पे काफी ज्यादा मात्रा में, यहाँ पे उसका इम्पेक्ट ज्यादा होता है, हरिकेन साइक्लोन का इम्पेक्ट है यहाँ पे क्यूबा में, क्यूबा में सबसे ज्यादा इम्पेक्ट होता है हरिकेन आइलैंड का, सॉरी साइक्लोन का। ओके, उसके अलावा देखिए यहाँ पे न्यूयॉर्क है जो हडसन रिवर पर है, हमने इसके बारे में पढ़ लिया। इसके और वाशिंगटन है जो यूएसए की कैपिटल है, वह पोटोमैक रिवर पे है। ओके, अब चलते हैं हम, और जो डेथ वैली है देखिए यहाँ पे है डेथ वैली, ठीक है, तो इसकी भी लोकेशन आप याद रखिएगा। इसके अलावा और कोई इंपोर्टेंट लोकेशन नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की, देखिए नेक्स्ट स्लाइड है, देखिए यहाँ पे अलास्का से रिलेटेड है, कुछ इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन और है अलास्का के बारे में। देखिए सबसे पहले यहाँ पे है अल्यूशियन आइलैंड, देखिए यहाँ पे अलास्का के पास है अल्यूशियन आइलैंड, ठीक है, इसकी लोकेशन इंपोर्टेंट है। उसके बाद अल्यूशियन आइलैंड के जस्ट इधर नॉर्दर्न साइड में है अलास्का पेनेंसुला। ओके, अलास्का पेनेंसुला, और अलास्का पेनेंसुला के पास में है यहाँ पे ब्रिस्टल बे, देखिए यहाँ पे ब्रिस्टल बे है जो अलास्का में है, यानी कि पैसिफिक ओशन में, बेरिंग सी में है, पैसिफिक ओशन में है ब्रिस्टल बे, यहाँ पे देखिए ब्रिस्टल बे, लोकेशन याद रखिएगा आप, काफी इंपोर्टेंट है, यानी कि जो इंपोर्टेंट लोकेशन है उन्हीं को तो हम पढ़ रहे हैं। इसके अलावा देखिए एक माउंटेन रेंज है, उसका नाम है कुसिकोविम, देखिए यहाँ पे कुसिकोविम, कुशकोविम, कुसकोविम माउंटेन रेंज है अलास्का में, ये भी हमारे लिए इंपोर्टेंट है। देखिए यहाँ पे ये माउंट मिकिनले, ठीक है, इसका नाम चेंज कर दिया गया, डेनाली कर दिया गया, माउंट डेनाली इसका नाम कर दिया है। और याकून रिवर के बारे में हमने पहले ही पढ़ चुके हैं। ओके, याकून रिवर, देखिए ये याकून रिवर है, सॉरी मैंने बताया था आर्कटिक ओशन में, आर्कटिक ओशन में नहीं जाती है, ये पैसिफिक ओशन में जाके गिरती है, देखिए आर्कटिक ओशन में नहीं जाती है, सॉरी गलती हो गई, ठीक है, देखिए पैसिफिक ओशन में जाती है ये। ओके, ये जो याकून रिवर है जो पैसिफिक ओशन में जाके गिरती है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सारी हमने ब्रुक्स रेंज के बारे में भी हमने पढ़ लिया। इसके अलावा और कोई इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लगता है इसमें। हाँ, एक कोडेक आइलैंड है, देखिए यहाँ पे कोडेक आइलैंड है, कोडियक आइलैंड, ये भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इसके अलावा कोई इंपॉर्टेंट लोकेशन नहीं है इसमें, सारी इंपॉर्टेंट लोकेशन है हमने पढ़ ली। ओके, अब देखिए यूएसए पे हम जाते हैं, यूएसए के कुछ फिजिकल फीचर्स उनमें देख लेते हैं। देखिए रॉकी माउंटेन के बारे में हमने पढ़ लिया, देखिए यहाँ पे साल्ट लेक सिटी है, साल्ट लेक सिटी में ग्रेट साल्ट भी है जो वर्ल्ड की थर्ड साल्टेस्ट लेक है। ओके, ग्रेट साल्ट लेक, देखिए यहीं पे है ये ग्रेट साल्ट लेक, ग्रेट साल्ट लेक, ओके, काफी इंपोर्टेंट है ग्रेट साल्ट लेक। इसके अलावा देखिए यहाँ पे सैन फ्रांसिस्को है, सैन फ्रांसिस्को है एक इंपोर्टेंट पोर्ट है यूएसए का, ठीक है, और सिटी भी है, इसलिए याद रखिएगा सैन फ्रांसिस्को यहाँ पे है। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक माउंटेन रेंज है माउंटेन विटनी, देखिए यहाँ पे माउंटेन विटनी इसकी हाई, ये भी आप याद रखिएगा माउंटेन विटनी। उसके बाद देखिए यहाँ पे लॉस एंजलिस, देखिए लॉस एंजलिस पोर्ट सिटी है, काफी इंपोर्टेंट लोकेशन है, याद रखिएगा कि लॉस एंजलिस कहाँ पे है, आपको डायरेक्टली दिया जा सकता है। ओके, उसके बाद देखिए सैन डियागो, ठीक है, तो यह डायरेक्टली आपको दिया जा सकता है कि सैन फियास्को, लॉस एंजलिस, सैन डियागो या किसी अदर कॉन्टिनेंट की भी दे सकते हैं, आपको नॉर्थ टू साउथ है लगाइए। ओके, तो ये इंपोर्टेंट लोकेशन थी, हमने देख ली सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजलिस एंड सैन डियागो। ओके, और इसके बाद हमने कोलंबिया रिवर के बारे में हमने देख लिया, देखिए यहाँ पे कोलंबिया रिवर है, इसके बारे में हमने देख लिया था। और इसके अलावा इंपॉर्टेंट लोकेशन हमने क्या छोड़ दिया, हमने सारी हमने कवर कर लिया, वैसे तो मेरे हिसाब से और इंपॉर्टेंट लोकेशन नहीं है। देखिए शिकागो की हमने कवर कर लिया जो यहाँ पे है ग्रेट लेक्स के पास में है, ठीक है, जो फाइव ग्रेट लेक्स का समूह है, ग्रुप्स है उसमें है, यहाँ पे मिलीबा की इसको भी हमने कवर कर लिया, डेट्रॉइट है उसको भी हमने कवर कर लिया, हाँ नियाग्रा फॉल्स, ये नियाग्रा फॉल्स बच गया, नियाग्रा फॉल्स कैनेडा में है। ओके, और ये ऑन्टेरियो में है, ठीक है, जो ऑन्टेरियो लेक्स है उसमें है ये नियाग्रा फॉल्स। ओके, तो इसकी इंपॉर्टेंट लोकेशन है, ये भी आप याद रखिएगा। और इसके अलावा देखिए जो ये वॉशिंगटन है यूएसए की कैपिटल है, यह है पोटोमैक रिवर पे है, कौन सी रिवर पे है, पोटोमैक रिवर पे, तो इस रिवर का भी आप नाम याद रखिएगा। और न्यूयॉर्क है वह हडसन रिवर पे है। ओके, तो इसके अलावा और इम्पोर्टेंट, हाँ यहाँ पे देखिए लेक वेगास,
सॉरी लास वेगास, लास वेगास ही माउंटेन रेंज भी है, ओके। तो इसके बारे में भी आप याद रखिएगा। और एक ग्रैंड कैनियन, देखिए यहाँ पे ग्रैंड कैनियन है, ये भी काफी फेमस है यूएसए में, ग्रैंड कैनियन, ओके। तो ग्रैंड कैनियन कहाँ पे, यूएसए में, तो इसको भी आप याद रखिएगा। और डेथ वैली यहाँ पे है, देखिए डेथ वैली लॉस एंजलिस के जस्ट पास में है, तो डेथ वैली भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए जो भी इंपॉर्टेंट लोकेशन थी हमने एक बार देख ली। देखिए कुछ कंफ्यूजन हो रहा होगा, लेकिन आप एक बार वापस है रिपीट कर लीजिएगा, ठीक है, डिस्कशन को, तो आपको याद आ जाएगी। क्योंकि देखिए काफी इंपॉर्टेंट लोकेशन थी, इसके लिए इसमें टाइम लगा। देखिए मुझे इसको, इस लेक्चर को प्रिपेयर करने में भी काफी टाइम लगा था, क्योंकि जो मैप है सारे एक साथ नहीं मिल पा रहे थे, तो मैंने काफी ढूंढ के इन मैप को एक साथ किया है, ओके। तो अब चलते हैं नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट, अब मैक्सिको से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, देखिए मैक्सिको में यहाँ पे सेंट्रल प्लेट्यू है, सेंट्रल प्लेट्यू है, काफी इंपॉर्टेंट लोकेशन है इसकी, सेंट्रल प्लेट्यू की। तो इसकी सेंट्रल प्लेट्यू कहाँ पे है आपको पूछा जा सकता है, सेंट्रल प्लेट्यू मैक्सिको में है, ओके। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। उसके बाद देखिए ये जो हमने बात की थी कैलिफोर्निया पेनिनसुला, इस कैलिफोर्निया पेनिनसुला को बाजा पेनिनसुला के नाम से भी जाना जाता है, ओके। इसे बाजा पेनिनसुला भी कहा जाता है, देखिए यहाँ पे है ये बाजा पेनिनसुला, ओके। इसे कैलिफोर्निया पेनिनसुला भी कहा जाता है और बाजा पेनिनसुला भी कहा जाता है, ओके। उसके बाद देखिए यहाँ पे बे ऑफ केपेंची और यहाँ पे गल्फ ऑफ टुहान टेपेक, यहाँ पे गल्फ ऑफ टुहान टेपेक और गल्फ ऑफ बे ऑफ केपेची, ये आपको याद रखिएगा, ठीक है। जो बे ऑफ केपेची है वो गल्फ ऑफ मेक्सिको, ठीक है, गल्फ ऑफ मेक्सिको या अटलांटिक ओशन में है इधर, और ये गल्फ ऑफ टुहान टेपेक है, यह है पैसिफिक ओशन में है, ओके। तो इन दोनों के बारे में आप याद रखिएगा। और एक युकाटन पेनन्सुला, देखिए यहाँ पे है युकाटन पेनन्सुला, तो इसकी लोकेशन भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। युकाटन पेनन्सुला है वह मेक्सिको में है, ओके। मेक्सिको की कुछ माउंटेन रेंज भी है, देखिए मेक्सिको की माउंटेन रेंज है, देखिए यहाँ पे सियरा मेड्रे ऑक्सीडेंटल, सियरा मेड्रे ऑक्सीडेंटल माउंटेन रेंज है, ठीक है। फिर है यहाँ पे देखिए सियरा मेड्रे ओरिएंटल, सियरा मेड्रे ऑक्सीडेंटल और सियरा मेड्रे ओरिएंटल दोनों माउंटेन रेंज है मेक्सिको की है। और मेक्सिको की कैपिटल क्या है, मेक्सिको की कैपिटल का नाम है मेक्सिको सिटी, देखिए यहाँ पे है मेक्सिको की कैपिटल मेक्सिको सिटी, ओके। उसके बाद एक माउंटेन रेंज और है सियरा मेड्रे डेल सुर, देखिए यहाँ पे सियारा मेड्रे डेल सुर, ओके। देखिए इतनी इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन हम एक बार देख लेते हैं, क्या पता कभी पूछा जा सके, ओके। तो छोड़ना तो कुछ है ही नहीं हमें। तो देखिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो भी हमने इसमें थी उसको हमने कवर कर ली, इसके अलावा कोई भी इंपॉर्टेंट लोकेशन नहीं है। देखिए जो भी मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में पढ़ा है इससे बाहर है बिल्कुल नहीं आएगा, ये तो गारंटी है, ठीक है। और अगर जो करंट में अगर रहता है चर्चा में, तो उसके बारे में मत छोड़िएगा, हम तो कवर करेंगे ही, लेकिन आपको भी अगर पता चले तो करंट के बारे में जो भी आइलैंड है या कोई सिटी है तो उसको तुरंत लोकेट कर लीजिएगा, क्योंकि उसके बारे में पूछा जा सकता है। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में इंपॉर्टेंट रिवर है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट रिवर है, देखिए कनाडा से स्टार्ट करते हैं, कनाडा से नहीं अलास्का से स्टार्ट करते हैं, देखिए अलास्का से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे है यूकॉन रिवर, देखिए यूकॉन रिवर है, काफी इंपॉर्टेंट लोकेशन है यूकॉन रिवर की, ओके। तो याद रखिएगा यूकॉन रिवर है, अलास्का में है। उसके बाद देखिए यहाँ पे मैकेंजी रिवर जो बिफोर्ट सी में जाके गिर जाती है, देखिए यहाँ पे मैकेंजी रिवर, ये काफी इंपॉर्टेंट है कनाडा में, मैकेंजी रिवर। उसके बाद देखिए यहाँ पे चर्चिल, चर्चिल रिवर भी काफी इंपॉर्टेंट है, जो हडसन हडसन बे में जाके गिर जाती है, हडसन बे में जाके गिरती है ये चर्चिल रिवर, ओके। फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे कोलंबिया रिवर, देखिए यहाँ पे है कोलंबिया रिवर जो यहाँ पे अटलांटिक ओशन में जाके गिर जाती है, कोलंबिया रिवर। फिर है कोलोराडो रिवर, कोलोराडो रिवर है यूएसए की है, काफी इंपॉर्टेंट रिवर है, देखिए यहाँ पे कोलोराडो रिवर है और यह कोलोराडो रिवर है, इसमें जाके गिर जाती है गल्फ ऑफ इसमें कैलिफोर्निया में, ओके। फिर यूएसए की दो इंपॉर्टेंट रिवर है, क्या नाम है उनका, मिसोरी और मिसिसिपी, देखिए यहाँ पे देखिए ये है मिसोरी रिवर, ओके, और यहाँ पे ये मिसिसिपी रिवर, मिसिसिपी और मिसोरी रिवर, ओके। ये दोनों मिलने के बाद है गल्फ ऑफ मेक्सिको में जाके गिर जाती है, ओके, जो इसका माउथ है गल्फ ऑफ मेक्सिको में है। और यहाँ पे देखिए ये सेंट लॉरेंस रिवर है, यहाँ पे सेंट लॉरेंस रिवर है, ओके, ये सेंट लॉरेंस रिवर है। और इसके बाद और कोई इंपॉर्टेंट रिवर नहीं है, इंपॉर्टेंट रिवर जो भी थी हमने पढ़ ली। फ्रेजर रिवर देखिए इंपॉर्टेंट तो नहीं है, मैकेंजी इंपॉर्टेंट है, चर्चिल इंपॉर्टेंट है, यूकॉन रिवर इंपॉर्टेंट है, कोलोराडो इंपॉर्टेंट है, और हाँ देखिए यहाँ पे रियो ग्रैंड है, रियो ग्रैंड रिवर है वो भी इंपॉर्टेंट है, देखिए यहाँ पे रियो ग्रैंड रिवर है, ये भी गल्फ ऑफ मैक्सिको में जाके गिरती है, ओके।
इसके अलावा मिसिसिपी, मिसौरी के बारे में पढ़ लिया, सेंट लॉरेंस के बारे में पढ़ लिया, और इम्पोर्टेंट लोकेशन नहीं, इसमें और कोई भी इम्पोर्टेंट रिवर नहीं है, सारी इम्पोर्टेंट रिवर हमने पढ़ ली। चलते नेक्स्ट दोस्तों, अब हम सेंट्रल अमेरिका, मिडल अमेरिका, ठीक है, मिडल अमेरिका के बारे में, साउथ अमेरिका में तो हमने पढ़ लिया, अब बचा है हमारा, देखिए यहाँ पे सेंट्रल अमेरिका बचा है, मेक्सिको, मेक्सिको कर लिया हमने, वेस्ट इंडीज बचा है, बचा है सेंट्रल अमेरिका और वेस्ट इंडीज को हमने पढ़ना है। लैटिन अमेरिका के बारे में हमने पढ़ा था कि कौन कौन सी कंट्रीज के अंतर्गत आती है, देखिए साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका और मेक्सिको और वेस्ट इंडीज से मिलकर बनता है लैटिन अमेरिका। और मिडल अमेरिका में कौन कौन सी आती है, मिडल अमेरिका में देखिए सेंट्रल अमेरिका आता है, मेक्सिको आता है और वेस्ट इंडीज आता है। तो मेक्सिको के बारे में हमने पढ़ लिया, अब हमने वेस्ट इंडीज और सेंट्रल अमेरिका के बारे में पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते दोस्तों, सेंट्रल अमेरिका सबसे पहले हम कौन कौन सी यहाँ पे कंट्री है और उनकी कैपिटल क्या है उनके बारे में हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे बेलीज, यहाँ पे बेलीज है और इसकी कैपिटल है बेलमोन पान, बेलमो पान इसकी कैपिटल है। देखिए इसकी कैपिटल तो इम्पोर्टेंट नहीं है, देखिए लेकिन ग्वाटेमाल, देखिए ग्वाटेमाल की कैपिटल हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ग्वाटेमाल की कैपिटल है ग्वाटेमाल सिटी। ओके, फिर देखिए अल साल्वेडोर, सैन साल्वेडोर, सैन साल्वेडोर, सॉरी एल साल्वेडोर है, उसकी कैपिटल है सैन साल्वेडोर। ओके, यहाँ पे है एल साल्वेडोर और उसकी कैपिटल है सैन साल्वेडोर। फिर यहाँ पे होंडुरास, ओके होंडुरास के बाद में देखिए यहाँ पे निकारका गुआ, निकारका गुआ, निकारका गुआ को कोस्ट ऑफ मॉस्किटो भी कहा जाता है। ओके, यहाँ पे जो मच्छर है काफी ज्यादा पाए जाते हैं, इसलिए कोस्ट ऑफ मॉस्किटो के नाम से भी इसे जाना जाता है। और यहाँ पे निकारका गुआ में लेक माना गुआ भी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन देख लेते हैं, यहाँ पे निकारका गुआ में लेक माना गुआ भी है, काफी इंपॉर्टेंट है, और लेक निकारका गुआ भी है, ठीक है, लेक माना गुआ भी है और लेक निकारका गुआ भी है। देखिए ये तो है लेक निकारका गुआ और यहाँ पे है ये लेक माना गुआ। ओके, और फिर देखिए कोस्टा रिका, कोस्टा रिका की कैपिटल है सैन जोस, ये सैन जोस है कोस्टा रिका की कैपिटल है, और यहाँ पे गल्फ ऑफ निकाया भी है, कोस्टा रिका में गल्फ ऑफ निकाया भी है। ओके, उसके बाद इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, देखिए ये आइलैंड हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बहुत सारे आइलैंड है, कितने पड़ेंगे, याद नहीं रहेंगे इतने, तो ठीक है हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद देखिए पनामा केनाल हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, देखिए पनामा है और पनामा की कैपिटल है पनामा सिटी, ठीक है, तो देखिए पनामा केनाल है वो कैरेबियन सी को, कैरेबियन सी को यहाँ पे पैसिफिक ओशन से कनेक्ट करती है। ओके, कैरेबियन सी को पैसिफिक ओशन से कनेक्ट करती है, कौन सी इसी केनाल, कौन सी केनाल, पनामा केनाल, देखिए पनामा केनाल है, यहाँ पे देखिए कोलंबिया से जुड़ती है, ठीक है, और देखिए ये पनामा केनाल कैरेबियन सी को पैसिफिक ओशन से कनेक्ट करती है। ओके, तो अब इंपॉर्टेंट और कुछ लोकेशन देखिए, और इम्पोर्टेंट लोकेशन इसमें यह है कि जो सेंट्रल माउंटेन रेंज है, सेंट्रल माउंटेन रेंज है वह है सेंट्रल अमेरिका में। ओके, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, और इसके अलावा देखिए और ज्यादा इन्फॉर्मेशन हमारे लिए याद रखना मुश्किल हो जाएगा, मेरे हिसाब से काफी है इतनी लोग इम्पोर्टेंट। देखिए एक पर्ल आइलैंड है यहाँ पे, देखिए पर्ल आइलैंड, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है कि आपको इसकी लोकेशन पूछी जा सकती है कि पर्ल आइलैंड है वह कहाँ पे है। ओके, इसके अलावा देखिए मेरे हिसाब से कोई इम्पोर्टेंट इतनी ज्यादा चीजें नहीं पूछी जाएगी इसमें से, क्योंकि आज तक है इतने क्वेश्चन नहीं पूछे गए इनमें से। ओके, यानी कि जो भी अभी तक तो देखिए वर्ल्ड ज्योग्राफी में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आजकल तो एशिया और ज्यादा से ज्यादा अफ्रीका, इस पे ही फोकस किया जाता है। ओके, ज्यादा दूसरे कॉन्टिनेंट पे फोकस ही नहीं किया जा रहा है, इसलिए ज्यादा इन्फॉर्मेशन हमारे लिए फिर उनको रिवाइज करना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। ओके, तो अब चलते हैं नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट है वेस्ट इंडीज के बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। देखिए वेस्ट इंडीज दो पार्ट में डिवाइड है, एक तो ग्रेटर एंटीलेस, देखिए ग्रेटर एंटीलेस और लेसर एंटीलेस, लेसर एंटीलेस को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, लीवर्ड आइलैंड और विंडवर्ड आइलैंड। ओके, लीवर्ड आइलैंड और विंडवर्ड आइलैंड आपको याद रखना है कि कौन से कहाँ पे है, वेस्ट इंडीज में है और लेसर एंटिलेस का पार्ट है। ओके, लीवर्ड आइलैंड और विंडवर्ड आइलैंड, और यहाँ पे है ये ग्रेटर एंटिलेस, और देखिए ये भामास है, ये भी वेस्ट इंडीज का ही पार्ट है। ओके, भामास आर्किपिलगो है, ये भी इसी का पार्ट है। ओके, भामास आर्किपिलगो ये वेस्ट इंडीज के अंतर्गत ही आता है। अब चलते हैं नेक्स्ट, देखिए अब देखिए इम्पोर्टेंट कुछ और है, देखिए यहाँ पे कौन कौन से इसके आइलैंड है उनको हम देख लेते हैं वेस्ट इंडीज में। देखिए वेस्ट इंडीज में सबसे पहले तो देखते हैं वेस्ट इंडीज, देखिए एक तो कैरेबियन सी के बीच में है और अटलांटिक ओशन के बीच में है। ओके, और पूरी तरह से अटलांटिक ओशन में सिचुएटेड है वेस्ट इंडीज। देखिए यहाँ पे कौन कौन से आइलैंड है, देखिए यहाँ पे क्यूबा आइलैंड है जो काफी इंपॉर्टेंट है,
वेस्ट इंडीज का। फिर देखिए हिस्पेनियोला, हिस्पेनियोला आइलैंड है जिसमें हेती और डोमिनिकन रिपब्लिक दोनों सिचुएटेड है, ठीक है, हेती और डोमिनिकन रिपब्लिक है दोनों हिस्पेनियोला में सिचुएटेड है। देखिए क्यूबा के बाद है ये लार्जेस्ट, सेकेंड लार्जेस्ट आइलैंड ग्रुप है वेस्ट इंडीज का, हिस्पेनियोला। ओके, क्यूबा के बाद ये सेकेंड लार्जेस्ट आइलैंड है हिस्पेनियोला वेस्ट इंडीज का। ओके, उसके बाद देखिए जो क्यूबा, हाँ, इनकी कैपिटल है उनको हम बाद में देखेंगे, आगे हैं। इसके अलावा देखिए एक और आइलैंड ग्रुप है यहाँ पे, सेंट किटीस एंड नेविस आइलैंड ग्रुप। देखिए यहाँ पे है ये सेंट किटीस और नेविस आइलैंड ग्रुप। ओके, फिर इसके अलावा यहाँ पे डोमिनिका आइलैंड है, देखिए यहाँ पे डोमिनिका आइलैंड है, और फिर यहाँ पे सेंट लूसी आइलैंड है। देखिए जो मैं आइलैंड बता रहा हूँ आपको उन्हीं को याद रखना है, बाकी इंपोर्टेंट नहीं है। ओके, यहाँ पे देखिए सेंट लूसी आइलैंड है, सेंट लूसिया। फिर उसके बाद है बाबाडोस आइलैंड है, ये भी काफी इंपोर्टेंट है, और फिर यहाँ पे ग्रेनेडा आइलैंड है, और फिर ये वेनेजुएला से जुड़ जाता है त्रिनिदाद टोबेगो आइलैंड, त्रिनिदाद टोबेगो आइलैंड। ओके, ये वेस्ट इंडीज से कनेक्ट, सॉरी वेनेजुएला से कनेक्ट है। ओके, देखिए यहाँ पे ये कनेक्टेड है वेनेजुएला से। और इसके अलावा एक वर्जिन आइलैंड है, देखिए यहाँ पे ये वर्जिन आइलैंड है, यूएसए का है, याद रखिएगा ये वर्जिन आइलैंड है, यहाँ पे यूएसए का है, और यो प्यूटोरिका में है। देखिए यहाँ पे ये प्यूटोरिका है, यूएसए का पार्ट है, और प्यूटोरिका में ही है वर्जिन आइलैंड। ओके, तो देखिए इसके अलावा और इंपॉर्टेंट आइलैंड नहीं है इसमें से, ठीक है। बहामास के बारे में देखिए बरमुंडा है, आप ऊपर की हो रहे हैं, इसके अलावा और इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इतनी ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ज्यादा याद रखना मुश्किल हो जाएगा, इतने ही आइलैंड काफी है। अब आप अगर इनको याद रखते हैं तो इतनी इंफॉर्मेशन काफी है आपको क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। दोस्तों अब वेस्ट इंडीज में कुछ आइलैंड ग्रुप है उनकी कैपिटल भी हम देख लेते हैं, क्योंकि वह हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है उसके बारे में। देखिए क्यूबा की कैपिटल है वह हवाना है, देखिए क्यूबा की कैपिटल क्या है, हवाना है। जमैका की कैपिटल है किंगस्टन, देखिए यहाँ पे है जमैका, इसकी कैपिटल है किंगस्टन। ओके, और हैती, हैती की कैपिटल है पोर्ट एवू प्रिंस, पोर्ट एवू प्रिंस है हैती की कैपिटल, देखिए हैती यहाँ पे है, ये हैती है पूरा, हेती की कैपिटल है पोर्ट एवू प्रिंस। फिर डोमिकन रिपब्लिक है, डोमिकन रिपब्लिक की कैपिटल है सेंट डोमिंगो, सेंट डोमिंगो है डोमिकन रिपब्लिक की कैपिटल है। उसके बाद है प्यूटो रिको, प्यूटो रिको जो यूएसए का है, और इसकी कैपिटल है सैन जुआन। ओके, देखिए सैन जुआन ये यूएसए का है, ओके सैन जुआन इसकी कैपिटल है। इसके अलावा देखिए सेंट लूसिया, सेंट विंसेंट, इनके बारे में हमने पढ़ लिया, बारबाडोस, त्रिनिदाद टोबेगो, यही आइलैंड ग्रुप है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी छोटे छोटे बहुत सारे आइलैंड है, इतनी इन्फॉर्मेशन हमें याद भी नहीं रहेंगी और हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी नहीं है, अगर हम याद भी रखेंगे तो उसका कॉस्ट बेनिफिट हमारे लिए कुछ भी नहीं होगा, तो इसलिए हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है। तो देखिए जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी हमने इसमें एक्सट्रैक्ट कर ली, अगर कोई आइलैंड बच भी गया होगा तो हम नेक्स्ट में जब अंटार्कटिक क्वेश्चन पढ़ेंगे तो उसमें हम कुछ आइलैंड को भी पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसको हम कवर कर लेंगे। तो दोस्तों इस डिस्कशन में इतना ही, डिस्कशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।